चरखी दादरी में पिछले काफी समय से बर्खास्त पीटीआई नौकरी बहाली की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन धरने दे रहे हैं और 21 अक्टूबर तक सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में लंबे समय से बर्खास्त पीटीआई अपनी नौकरी बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। चरखी दादरी में बर्खास्त पीटीआई टीचरों के चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में फैसला लिया गया कि 21 अक्टूबर तक पीटीआई टीचरों को एडजस्ट नहीं किया गया तो वो अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। हम इस धरने पर बड़े दुख के साथ सभी के सभी साथियों के अंदर बड़ा दुख है, क्योंकि हमारे साथ का हमारा साथी सुंदरलाल जी जो यमुना नगर से थे वो गहरे सदमे में थे, आज उनका सुबह देहांत हो गया है। हम हरियाणा सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो ये सदमा है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हम सीएम साहब का जो टाइम दिया हुआ था इन परिवारों को वापस नौकरी पर लिया जाए। दरअसल बर्खास्त पीटीआई टीचरों की प्रदेश सरकार से हुई वार्ता के अनुसार 15 दिन में एडजस्ट करने पर विचार विमर्श किया गया, अब समय अवधि खत्म होने को है। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र पहलवान ने कहा कि इस अवधि में उनको एडजस्ट नहीं किया तो फिर से प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हमारे को हरियाणा सरकार ने जब सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी वहाँ 6 तारीख को जो 15 दिन का टाइम दिया था और वो टाइम नजदीक आ गया है, क्योंकि साथियों की धड़कने बढ़ने लगी हैं। इसी सदमे में हमारे बीच में हमारे साथी जो थे इस गहरे सदमे के कारण आज उसका देहांत हो गया है। हम बहुत ही चिंतित हैं और हमारे अंदर भी बहुत गहरा दुख है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से बर्खास्त पीटीआई टीचरों को कहीं एडजस्ट किया जाता है, अगर नहीं तो बर्खास्त पीटीआई टीचरों की आगे की रणनीति क्या रहती है।